नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने जो MCD PRT के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, जो 4 पारी में हुए थे, 30 सितंबर, 13, 14 और 28 अक्टूबर, तो आज लास्ट पेपर था। आज मैं पहले लास्ट पेपर का एनालाइज करूंगा, उसके बाद में पूरे MCD के जो चारों दिन के पेपर हुए हैं उन सब का एनालाइज करने के बाद में आपका सेफ स्कोर क्या है और इसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, अच्छी लगे तो चैनल अब सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आज के पेपर की। आज का पेपर कैसा था? आज का पेपर इतना इजी था, तीनों पेपरों से बहुत इजी था, तो इसलिए आज के पेपर ने जो इसकी कट ऑफ है वो बढ़ा दी है। इससे क्या है, अब नॉर्मलाइजेशन में जो होगा उसकी भी मैं बात करूंगा कि कैसे क्या होगा, कितने मार्क्स किसके बढ़ सकते हैं, किसके घट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज पार्ट ए की। जो इनमें हिंदी का पार्ट था वो इजी था, उसमें आराम से आप 15-16 मार्क्स ला सकते थे, कोई खास इतना हार्ड नहीं था। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का भी मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है, इजी नहीं कह सकते इसको, मॉडरेट टू हार्ड था। 8-9-10 नंबर तक आप उसमें इजीली ला सकते थे। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ का पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, लेंथी था, वो टाइम जिसने बचाया है उसने आगे क्वेश्चंस कर दिए होंगे, तो मैथ भी इतना वो नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की, वो भी मॉडरेट थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और बात करते हैं जीके भी इजी टू मॉडरेट था, उसमें भी 10-15 नंबर आप ला सकते थे। जनरल पूछा गया था, जो ऊपर ऊपर से जो टॉपिक है वे पूछे गए थे, ज्यादा डीप इसमें नहीं गए थे, ठीक है। तो पहला पार्ट आप कह सकते हो मॉडरेट था, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट बी की, जिसको इन्होंने जो 30 सितंबर, 13 और 14 अक्टूबर का जो पेपर था उसका सैंडविच बना दिया, मिक्स कर दिया पूरा, जिस तरह से कहे ना उन तीनों का मिक्सचर बना के एक वो परोस दिया उन्होंने। तो सबको अवेयर से मैंने पहले भी कहा था कि पेपर ऐसा ही आएगा जैसा आ रहा है, और वही ऐसा ही पेपर आया, उससे भी इजी आया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें 25 से 35 क्वेश्चन रिपीट थे, जो तीनों हमारे पेपर आ चुके थे, जिसने उनको पढ़ा होगा या उनको सोल्व किया होगा पार्ट बी में, उनको 25 से 35 क्वेश्चन मिल गए होंगे श्योर। तो इसमें बच्चों ने इस बार जो मेरे को फीडबैक मिला है, 80 तक उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, तो उनके 60-70 नंबर इजीली आ रहे हैं, इसमें 75 नंबर आ रहे हैं। तो इसमें मेरा जो मानना है, ओवरऑल मिलाकर यह पेपर इजी था, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं इजी, जो 28 अक्टूबर का पेपर था। अगर इसके अनुसार कट ऑफ जाए तो इसकी जो जनरल की जानी चाहिए, इसके अनुसार कह रहा हूं मैं, जो आज का पेपर हुआ है, 132-145 तक जा सकती है जनरल की, इसके अनुसार जो आज का पेपर है, ठीक है। इसमें आपका जो सेफ स्कोर है वो 135 होगा आज के अनुसार, जो आज का पेपर हुआ है। चलिए ये तो थी आज के पेपर का आपका एनालाइज, कैसा था आपका और कैसे बच्चों ने किया और किस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो जो पढ़ता नहीं है उसके तो सब हार्ड ही होते हैं, परंतु एक एवरेज बच्चे के लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा था, और जिन्होंने आज ये पेपर दिया है वो बहुत ही लकी हैं कि वो इतने मार्क्स पा जाएंगे। मान लिया जिसने 140-150 मार्क्स आ रहे हैं और उनके 10 मार्क्स कम भी हो गए तो भी वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ टोटल एनालाइज की, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ कि जो PRT MCD हैं, 16/17 और 1/18, ठीक है, इन दो में एडवर्टाइजमेंट आया था और वैकेंसीज रिलीज हुई थी।
तो मैं पहले बताता हूँ कि टोटल वैकेंसी आई थी आपकी दोनों मिलाकर 157,625, ठीक है, और पोस्ट थी आपकी 4,366। और अगर मैं इनको कैटेगरी वाइज करता हूँ तो जनरल में जो आपकी एप्लीकेशन आई थी 75,360, ओबीसी 38,229, एससी 33,777, एसटी 7,525, पीएच 2,634, ठीक है। और जो इनका वैकेंसी का जो ब्रेकडाउन है वो था जनरल 1,610, ओबीसी 1,286 और एससी 714, एसटी 756 और पीएच 288। तो कंपटीशन भी बहुत टफ है क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और पोस्ट कम है रिलेटिवली, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपके पेपर हुए थे 30 सितंबर में, 13 अक्टूबर में, 14 अक्टूबर में और 28 अक्टूबर में, वो कैसे थे। 30 सितंबर में आपका जो पेपर था वह था हार्ड प्लस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड प्लस, हार्ड के साथ में मतलब थोड़ा सा और टिपिकल था क्योंकि फर्स्ट टाइम दे आर अपियरिंग और सिलेबस कुछ चेंज था, बच्चे को कुछ पता नहीं होता था कि क्या आना है क्या नहीं आना, बिल्कुल अपोजिट आया था सब कुछ, तो ये हार्ड प्लस मैं इसको मानता हूँ। और 13 अक्टूबर का था मॉडरेट, ठीक है, और 14 अक्टूबर का था मॉडरेट टू हार्ड प्लस, मॉडरेट टू हार्ड प्लस, और 28 अक्टूबर का था इजी। तो ये चार प्रकार के पेपर थे, ठीक है, पहला था हार्ड, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू हार्ड प्लस और एक था इजी, ठीक है। अब जब नोमिनेशन होना होगा तो उसमें श्योर बता रहा हूं मैं आपको, जो 30 सितंबर वाले बच्चे हैं उनको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, 5 से 6 नंबर तो उनको पार्ट बी में मिलेंगे ही मिलेंगे, पार्ट वन में जितने मिलेंगे वो आई डोंट नो, बट पार्ट बी में इतनी गारंटी है 5 से 8 नंबर तक उनको मिल जाएंगे, ठीक है, टोटल मिलाकर उनको 5 से 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 13 अक्टूबर वाले को, 13 अक्टूबर वालों के 1 से 2 नंबर कम हो सकता है, 13 अक्टूबर वालों का 1 से 2 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 14 अक्टूबर वाले की, 14 अक्टूबर के 2 से 5 नंबर उनके बढ़ सकते हैं, 2 से 5 नंबर उनके अपने स्कोर में इजाफा वो देख सकते हैं। फिर है मैं बात करता हूँ 28 अक्टूबर का, 28 अक्टूबर के जो बच्चे हैं उनके 5 से 10 नंबर कम आ सकते हैं, मतलब वो अपने स्कोर में जितना उन्होंने सोचा है उससे 5 से 10 नंबर कम रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा अबाउट नोशन नॉर्मलाइजेशन के बारे में और जो पेपर आपके हुए हैं कितना आपका कैसा क्या रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेप स्कोर की, सेप स्कोर इसमें अब 120 मैं मानता हूँ, वैसे 115 भी आपके लिए सेफ है, अभी भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, परंतु जो लास्ट वाला पेपर आया इसने पूरी खेल बदल दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आपका जो सेफ स्कोर है वो 115 से 120 में हो गया है, पहले 100 से नीचे रहने वाला था मेरे अनुसार, परंतु अब 100 से ऊपर आपका सेफ स्कोर है। चलिए फिर भी मैं एक आपको जो एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ है वह बता रहा हूँ, जनरल की आपकी जा सकती है 105 से लेके 120, क्योंकि इतनी जा सकती है अब 105 से लेके 120। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी, ओबीसी 95 से 105, एससी 85 टू 95, एसटी 80 टू 85, पीएच 75 टू 80। फिर बता रहा हूँ मैं, जनरल 105 से 120, ओबीसी 95 से 105, एससी 85 टू 95, एसटी 80 टू 85 और पीएच 75 टू 80, ये आपकी संभावित कट ऑफ है और इतनी ही जाएगी, क्योंकि एमसीडी के जो पेपर हुए हैं वास्तव में बड़े अच्छे पेपर थे, ये पेपर एक ही दिन सेट किए गए थे, ये मुझको ऐसा आभास हो रहा है। और तीसरा जो आज का पेपर आया है वो तो रियली जिन्होंने आज पेपर दिया है वो बहुत ही लकी हैं, जिन्होंने थोड़ी भी मेहनत की होगी तो वो 120 उनके नंबर कहीं नहीं गए कटने के बाद में।
आफ्टर नॉमिनेशन दे कैन गेट 120, 115, 110 उनके आराम से मिल जाएंगे। तो आज वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है चांस इसमें आगे बढ़ने का। चलिए, कोई और अच्छी खबर होगी फिर मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।